तेरा आना तेरा जाना, तेरा सबसे बाहर गाना, तेरी हेलो तेरी हाय, तेरी कॉफी तेरी चाय, तेरी डेनिम तेरी कुर्ती, तेरी डांस फ्लोर पे फुर्ती, तेरी बातें तेरी झलकी, तू है टू टो पूरी लड़की। कमाल पूजा, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सा स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिससे आप किसी के भी इमेज से ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसी पर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है, अगर उस चैनल को अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो प्लीज़ उस चैनल ज़रूर विजिट कीजिए। उस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहते हो और आपसे नहीं हो पा रही है तो मैं आपको क्रिएट करके दे सकती हूँ। इसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना होगा, आपको सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको 9:16 की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको सेटिंग पे जाना है, एडिटिंग पे जाना, आपको फिल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको मीडिया पे जाना है और आपको वो इमेज ऐड कर लेनी है जिससे आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। तो गाइज, आपको टोटल 8 इमेज को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना, तो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको न्यू पेज पे जाना है और आपको इसके फर्स्ट वाले को ले लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू पेज वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ये हो गया, फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको इसमें बॉर्डर को जोड़ लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। ये हो गया, फिर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी, जिसे आपको अपने वीडियो में यूज करना है। ये हो गया, अब आपको बैक आ जाना है और आपको फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अब आपको 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है, फिर आपको सेटिंग पे जाना है, एडिटिंग पे जाना, आपको फिल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको मीडिया पे जाना है और आपको वो इमेज ऐड कर लेनी है जो आप बैकग्राउंड भी लगाना चाहते हो। ये हो गया है, अब आपको सारे इमेज के स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को एडजस्ट करके आपको इसे इक्वल कर लेना है। ये हो गया फ्रेंड्स, अब आपको साड़ी में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है, तो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको जूम इन एंड आउट पे जाना है और आपको इसके थर्ड वाले को ले लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको साड़े प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ये हो गया, फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपने जो एक्सपोर्ट वीडियो किया था आपको उसे ले लेना है, आपको इसे यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देना है। ये हो गया है,
फिर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी।